हे व्हाट्सअप बड़ी, तो 2024 आए हुए 5 महीने हो चुके हैं और अभी से ही हमें इतने सारे गेम्स मिल चुके हैं हमारे मोबाइल डिवाइस में खेलने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 10 मोबाइल गेम्स की जो कि 2024 में लॉन्च हुए हैं, और इसमें से कुछ जो है गेम्स अच्छे हैं बट कुछ गेम्स जो है बुरे भी हैं। आई होप आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनिमे सीरीज वन पंच मैन का एंड्रॉयड गेम भी आ चुका है जिसका नाम है वन पंच मैन वर्ल्ड। हालांकि ये इंडिया में नहीं अवेलेबल है बट ये ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, और ये जिन जिन देशों में लॉन्च हुआ है वहां पर इसके अच्छे रिव्यू देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले ये एक सेमी ओपन वर्ल्ड गेम है और यहाँ पर बहुत सारे मैप्स है जिनके लिमिटेड एरियाज को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस गेम में साइतामा के अलावा और भी हमारे पास कैरेक्टर्स है जिनको यूज करके हम इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। कॉम्बैट की बात करें तो इस गेम ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। इसके विजुअल्स और मैकेनिक्स को देखकर ऐसा लगता है कि हम रियल एनिमे देख रहे हैं। मॉन्स्टर भी मेनेसिंग लगते हैं देखने में। फ्री है और बट इसको डाउनलोड करने के लिए जो है जुगाड़ लगाना पड़ेगा, यानी कि वीपीएन या फिर थर्ड पार्टी का, और ये वर्थ इट है यार क्योंकि गेम जो है लोगों का फेवरेट बन चुका है। हाँ, बस इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है जो आपको गेम प्ले और कंट्रोलर में देखने को मिल सकती है। पीसी एंड कंसोल की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एक्शन एडवेंचर फ्रेंचाइजी डेविल मे क्राई ने भी जो है मोबाइल में एंट्री मार ली है, और ये प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट एडेप्टेशन है किसी भी पीसी कंसोल टाइटल की। इसे चाइनीज कंपनी नेबुला जॉय ने डेवलप किया है। इसमें काफी सारे मोड्स हैं, सिंगल प्लेयर कैंपिंग मोड और मल्टीप्लेयर बैटल। इसमें काफी सारे प्लेबल कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ आप खेल सकते हैं। टिपिकली गेम्स में काफी सारे लेवल्स हैं जिनको प्रोग्रेस करते हुए आप रिवॉर्ड भी कलेक्ट कर सकते हो, बट इस गेम में ग्राइंड करना एक लेवल के बाद काफी टफ हो जाता है। शुरू में तो लोग काफी इंजॉय करते हैं पर बाद में रिपीटेटिव लेवल के बाद जो है लोग जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। प्रोग्रेस के लिए इस गेम को काफी टाइम देना पड़ता है क्योंकि प्रोग्रेस के बिना आप आगे जा ही नहीं। मोनिटाइजेशन के लिए भी लोग काफी नाराज हैं इस गेम से। इसमें काफी सारी जो आपकी फेवरेट चीजें हैं उनको रियल मनी देकर जो है आपको खरीदना पड़ेगा, और उसमें भी लूट बॉक्सेस वाले सिस्टम है, यानी कि हमें मालूम ही नहीं है कि जो हमें चाहिए कंटेंट वो इसमें मिलेगा या नहीं। बट ओवरऑल देखा जाए तो गेम्स के मैकेनिक्स अच्छे, ग्राफिक्स विजुअली काफी ब्यूटीफुल, कॉम्बैट एंड एक्शन तो आपको छप्पड़ फाड़ के मिलने वाला है, तो अगर आप इस एंजॉय करना चाहते हैं इस गेम को तो कर सकते हैं। नेक्स्ट वेल, ये वैसे 400 रुपए का गेम है बट रिव्यूज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वर्थ इट है। तो अगली एक साइकोलॉजिकल हॉरर गेम है जिसमें एडवेंचर देखने को मिलता है एक स्टोरी लाइन के थ्रू। में काफी सारे लेवल्स हैं जिनमें पजल्स हैं जिनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना होता है। गेम्स में काफी सारे चैलेंजेस एंड डिस्टर्बिंग ऑब्स्टिकल्स आते हैं इंक्लूडिंग एनिमी एंड बॉसेस जिनको हराना होता है। गेम की स्टोरी लाइन को खुद ही समझना होता है और गेम की पजल्स को समझने के लिए अच्छा खासा दिमाग आपके पास होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इस गेम को सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही खेल सकते हैं। ये इसी साल पीसी एंड कंसोल पे आया था, साथ ही साथ इसे मोबाइल में भी ऑप्टिमाइज कर दिया गया, और ये इतने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसका कंसेप्ट अपने आप में ही यूनिक है, और ये प्लेयर्स में लेवल के साथ साथ मिस्ट्री को सॉल्व करना एक क्यूरियोसिटी इंक्रीज करता है। चलो स्पोर्ट्स लवर्स की बात करते हैं, तो एनबीए बास्केटबॉल का सबसे टॉप का लीग है जो कि नॉर्थ अमेरिका में खेला जाता है, बट इसके फैंस जो है पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं, और उन फैंस के लिए एनबीए इन्फिनाइट को जो है मोबाइल पर रिलीज किया गया है इस साल, जिसमें हम पीसी वाले एनबीए जैसा ही फन टू प्ले एंड थ्रिलिंग कॉम्पिटिशन गेम प्ले देख सकते हैं। सबसे पहले इस गेम में जो कंट्रोल है वो बहुत ही इजी है और साथ ही ग्राफिक्स भी आपको अच्छा लगेगा, बट हाँ ये गेम पीवीपी है और इसमें एआई के साथ एक्चुअल टूर्नामेंट नहीं खेल सकते। एनबीए के 4 प्लेयर्स को कलेक्ट करके हम 1v1, 3v3 एंड 5v5 खेल सकते हैं। हद तक माना जाए रिव्यूज का तो लोग इससे काफी सेटिस्फाइड है, और कुछ कमियां तो हर गेम में मिलती ही हैं, बट अगर आप स्पोर्ट्स लवर हैं और आपको जो है एक अच्छा एंटरटेनमेंट मूड फ्रेश का कोई गेम खेलना है तो ये गेम आपके लिए ही बनी है। तो ये एक और पेड गेम है और इसका हाइप जो है काफी था। आर्ट ऑफ रैली, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हो कि ये एक रैली गेम है और इसमें आपको चैलेंजिंग गेम प्ले देखने को मिलता है। बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं जिनके थ्रू हमें अच्छे से नेविगेट करके अपने टाइमिंग सेट करने होते हैं। गेम में काफी सारे ट्रैक्स हैं और साथ ही कंडीशंस लाइक रेन, नाइट, स्नो, डेजर्ट वगैरह में भी चलानी पड़ती है। अब बात करते हैं ग्राफिक्स की, तो वैसे तो ये गेम में रियलिस्टिक नहीं लगते बट देखने में बहुत ही प्यारा लगता है ग्राफिक्स। ये विजुअल पर काफी सारा वर्क किया गया है, लेकिन इस गेम में सिर्फ आपको कार चलाना ही नहीं है, आपको जो है हैंडलिंग पर भी वर्क करना होगा, यानी कि अगर आपकी हैंडलिंग खराब है तो आप इस गेम को नहीं खेल पाओगे। रिव्यूज की माने तो काफी ऑप्टिमाइजेशंस इश्यूज हैं गेम में और थोड़े माइनर ग्लिचेस भी है जिन्हें इग्नोर किया जा सकता है, और वैसे ये गेम पेड है तो लॉन्ग टर्म मोबाइल पर चलना इसका मुश्किल लगता है क्योंकि आप ही बताओ मोबाइल पर गेम खरीद कर खेला है क्या आपने।
अब बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम वॉरजोन मोबाइल की। इस गेम का प्लेयर्स जो है काफी टाइम से वेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इस गेम के आने के बाद उन्होंने देखा तो डिसअपॉइंटेड हो गए। शॉर्ट में बताऊं तो टेस्टिंग फेज में ये बहुत ही अच्छा गेम लग रहा था, बट फाइनल लॉन्च में इसमें बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन इश्यूज देखने को मिले। सबसे पहले तो लोग इसे वॉरजोन की जगह ब्लड जोन कह रहे हैं, बिकॉज इसके जो ग्राफिक्स हैं वो एक अलग ही सिस्टम से काम करते हैं। मतलब कि आप जितना ज्यादा खेलेंगे उतने ही जो है आपके ग्राफिक्स जो है लोड होते रहेंगे, और ये टाइम के साथ अच्छा बनता है, लेकिन लोगों में इतना पेशेंस कहाँ है। फिर गेम की जो जनरली गलती है वो है इसका लो फ्रेम रेट, मतलब कि अच्छे मोबाइल डिवाइसेस में भी अच्छे फ्रेम रेट नहीं मिल रहे, और ट्रैफिक सेटिंग चेंज करने पर भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। कनेक्शन एरर देखने को मिल रहे हैं, लॉगिन नहीं हो रहा है। ऑप्टिमाइजेशन को थोड़ा बहुत फिक्स करने की कोशिश की गई है लेटेस्ट अपडेट में, बट फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। और इसे आईफोन 15 का गेम कहा जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा इश्यूज जो एंड्रॉइड गेमर्स को ही आ रहे हैं। उसके अलावा बोर्ड्स की एक अलग ही प्रॉब्लम है, जहाँ एक दो रेगुलर मैच के बाद बोर्ड्स लो भी मिलनी शुरू हो जाती है। शुरू में डोमिनेट करना इंजॉयबल होता है, बट उसके बाद काफी बोरिंग लगने लगेगा। फाइनेंशियली डेवलपर्स के लिए वॉरजोन अब हिट भी नहीं रहा, क्योंकि सीओडी मोबाइल के कंपैरिजन में इसके नेट परचेजिंग से इतना फिगर देखने को नहीं मिल रहा। सो देखते हैं कि इस गेम का क्या फीचर रहता है, क्या डेवलपर्स इसको फिक्स करके ऑडियंस को ला पाते हैं, या फिर ये भी एपेक्स लेजेंड मोबाइल की तरह बंद हो जाएगा। होगाई स्टार रेल जैसा एक और गेम AFK जर्नी इसी साल रिलीज हुआ है। ये भी एक फैंटेसी RPG है, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स और मिस्ट्री फिक्शन वर्ल्ड मिलता है। स्टोरी वैसे बाकी सारी गेम्स की तरह ही है, सोर्ना में जैसे कि मिस्ट्री को सॉल्व करना, जिसमें बहुत सारे क्विस्ट होते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है, जिसमें हम बहुत सारे एरियाज को एक्सप्लोर करके मॉन्स्टर और एनिमीज के साथ फाइट भी करते हैं। गेम्स के ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे हैं, और वर्ल्ड भी सुंदर सा डिजाइन किया गया है, जिसे एक्सप्लोर करने का एक अलग ही मजा है। और अगर हम एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो उसे भी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसे इसे खेलने में काफी मजा आता है, और काफी लोग इसे डाउनलोड भी कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं, और साथ ही साथ ये वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड गेम भी बन चुका है, क्योंकि लोग इसके स्टोरी एंड ओवरऑल गेम प्ले से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है। इस गेम को खेलकर उन्हें काफी मजा आ रहा है। अगर आप लोगों ने अभी इसे खेलना स्टार्ट नहीं किया तो एक बार जरूर इसे खेलकर ट्राई करना। फैंस के लिए एक और गेम जो है लॉन्च हो चुका है, वो है ब्लड स्ट्राइक। एक PVP शूटर है, जिसमें बैटल रॉयल, डेथ मैच एंड कंट्रोल पॉइंट गेम मोड्स मिलते हैं। इसमें भी हीरो वाला सिस्टम है, जिसमें सबके पास अपनी यूनिक स्किल्स हैं, जिनको यूज करने पर आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस गेम की सबसे अच्छी बात है कि ये लोएस्ट डिवाइस पर इजीली खेला जा सकता है। सीख के लिए हर तरह के प्लेयर्स जो है इसे एंजॉय कर सकते हैं। गेम ने रिलीज होते ही अच्छा खासा प्लेयर बेस भी बना लिया है, सो मैच मेकिंग में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। ग्राफिक्स एंड मैप्स भी काफी हद तक अच्छे हैं, और साथ ही मैकेनिक्स भी काफी अच्छे ढंग से क्राफ्ट किए गए हैं, सो इसे आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। अब रेनबो सिक्स का नाम देखते ही आपको हार्डकोर मिलिट्री गेम्स की याद आ गई होगी, बट ये गेम जिसके नाम में ही SM मोबाइल है, छोटे छोटे कैरेक्टर्स के साथ एक शूटर गेम है, और ये नेटफ्लिक्स मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, सो हाँ सब्सक्रिप्शन होना इम्पोर्टेंट है। और अब बात करें गेम प्ले की तो काफी मजेदार है। कार्टूनिक ग्राफिक्स एंड विजुअल के साथ हम बहुत सारे लेवल को खेलते हैं, जिसमें होस्टेस रेस्क्यू, बॉम्ब डिफ्यूजर जैसे मोड देखने को मिलते हैं, और कंट्रोल बिल्कुल मिली मिलेशिया जैसे लगते हैं, जो उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स भी मिलते हैं, जिन्हें अनलॉक करके हम उनके साथ खेल सकते हैं। साथ साथ गन में भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। अगर मोड देखेंगे तो एकदम मिलिट्री ऑपरेशन वाली फीलिंग आपको मिलेगी। सो आपके पास नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है तो इसे एक बार जरूर ट्राई करना, क्योंकि बहुत से लोगों को ये काफी पसंद आ रहा है। चलो चाइनीज एंड जापानीज तो बहुत सारी गेम खेल चुके हैं, तो अब कोरियन गेम भी खेल लो। मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है किंगडम द ब्लड। इस गेम में हम ज़ॉम्बीज़ एपोकलिप्स से डील करते हैं। इसमें कोरियन कल्चर का काफी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है स्पेशल आउटफिट में। और अगर बात करें गेम प्ले की तो एक एक्शन गेम है, और इसमें बहुत से मेले वेपन स्पेशल शार्प स्वॉर्ड्स ब्लेड वगैरह से फाइट करनी पड़ती है, और ज़ॉम्बीज को हराना भी होता है लेवल टू लेवल, और साथ साथ स्टोरी लाइन देखने को भी मिलती है, जिसमें बॉस बैटल्स भी हैं। इसके विजुअल्स डार्क जो कि इसके वाइट को सेट करते हैं। साउंड भी बहुत बढ़िया कंपोज किया गया है, बट गेम में काफी ग्लिचेस है। एक्चुअली लोगों की कंप्लेंट है कि जो इसमें कंट्रोल है वो वेल ऑप्टिमाइज नहीं है, और ये कॉम्बैट में दिक्कत करता है, और कुछ बटन्स तो काम ही नहीं करते, जिसकी वजह से हम हार जाते हैं मुश्किल सिचुएशंस में। तो इस गेम को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है, फिर ये फाइनली एक एक्शन एडवेंचर गेम प्ले बन पाएगा। तो गाइस बस यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।